नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वरेश नागरथ है और मैं देवरिया में गुरु कृपा क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ। डायबिटीज़ में मेरी विशेष रुचि है। डायबिटीज़ के बचाव के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बच्चों से रोज़ पूछें, हम तो पूछते हैं कि आज आपने क्या पढ़ाई की, हमें ये पूछना है बाद में, पहले पूछना है कि आज आप क्या खेले, आज आपने कितना पसीना बहाया। तो बच्चों में खेलने की और एक्सरसाइज की आदत डालना हमारा परम कर्तव्य है। उनसे मोबाइल ले लें, उन्हें फास्ट फूड से दूर रखें और डेली एक्सरसाइज करवाएं और खुद भी करें, खुद भी पैदल चला करें, खुद भी लिफ्ट का प्रयोग ना करें, साइकिल चलाएं और अपनी दिनचर्या को स्वस्थ रखें। शुगर के मरीज जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो उन्हें अपने पास में, सिर्फ डॉक्टर के पास नहीं, वो अगर बाहर भी जाते हैं तो उन्हें अपने पास ग्लूकोज ज़रूर रखना है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम अपने पॉकेट में मनी देखते हैं, हम अपने पॉकेट में मोबाइल देखते हैं, उसी प्रकार से हमें 3M, तीसरा M है मीठा, मतलब हमें अपने पास ग्लूकोज ज़रूर रखना है। तो 3M देख करके ही हम अपने घर से बाहर निकलें। जिस दिन डॉक्टर को दिखाने जाएं, उस दिन खाली पेट जाएं, शुगर की जांच कराएं, फिर नाश्ता करें, नाश्ते के साथ जो दवा खानी है वो खाएं और उसके 2 घंटे के बाद फिर अपनी शुगर कराएं। मतलब बिना नागा किए आपको डॉक्टर के पास जाना है। शुगर के मरीजों को ABCDE का ख्याल रखना चाहिए। ए से A1C अर्थात HbA1c, जिसे हमें 7 से या 6.5 से कम रखना है। BP, बी से BP का मतलब हुआ हमें 130-80 से कम रखना है। सी से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेंगे। डी से डाइट, संतुलित डाइट लेंगे। कैसे लेंगे संतुलित डाइट, क्या लेंगे, ये वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं YouTube पे। आप वरेश नागरथ डायबिटीज़ अगर कीवर्ड टाइप करिएगा YouTube में तो आपको डाइट पे मेरे बहुत अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो आप, आपकी घरवाली सबको सुनना चाहिए। और ई से एक्सरसाइज खुद भी करें, 20 मिनट कम से कम रोज़ चलें और सबसे करवाएं। इंसुलिन को बुरा ना समझें, इंसुलिन एक दवा नहीं है, इंसुलिन एक तत्व है जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है तो हमें बाहर से देनी पड़ती है। जैसे अगर हमें विटामिन की कमी है तो हमें विटामिन खानी होती है, अगर हमें थायराइड की कमी है तो हमें थायराइड खाना होता है, ऐसे ही यदि इंसुलिन की कमी है तो हमें इंसुलिन की सुई लेनी पड़ती है। इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि इंसुलिन एक आखिरी दवा है, इसका ये भी अर्थ नहीं हुआ कि इंसुलिन एक बार लगने के बाद पूरी ज़िंदगी लगेगी। कोविड के टाइम पर लाखों लोगों को इंसुलिन पे रखा गया, क्या वो सब आज इंसुलिन ले रहे हैं? नहीं। तो इंसुलिन के प्रति अपनी राय सकारात्मक रखें। धन्यवाद।